झाबुआ जिले की ग्राम पंचायत बामनिया में पीआईयू विभाग द्वारा बालक छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। लाखों रुपए की लागत से बन रहे छात्रावास में स्थानीय लोगों ने अनियमितता का आरोप लगाकर प्रशासन के साथ साथ सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर एसडीओ रैंक के अधिकारी निर्मल श्रीवास्तव छात्रावास की जाँच के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी टीम के साथ छात्रावास का निरीक्षण किया और गुणवत्ता को जांचने के बाद निर्माण कार्य पर संतुष्टि जताई है। वही अब जांच से असंतुष्ट शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर शिकायत करने की बात कही। मेरी कंप्लेंट यही रही कि मेरा जो निर्माण कर रहे हैं यहाँ पे बालक छात्रावास बामनिया के पास में चल रहा है, पास में ही मेरा घर है और डेली मेरा क्या है कि वर्जिश के रूप में या योगा के रूप में या ग्राउंड के अंदर सुबह या दिन में भी आना जाना होता ही है। और रही बात यहाँ छत भरने की, तो यहाँ पे लगातार इन्होंने 8 से 10 दिनों में छत भरी है। और रही बात मटेरियल के नाम पे, बिल्कुल घटिया मटेरियल लगाया गया है इनके द्वारा, और जो भी प्रोजेक्ट अनुसार इनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। ये जो टीम है इन्होंने क्या पाया, क्या बोला? इनकी सही जाँच से मैं संतुष्ट भी नहीं हूँ, क्योंकि इनके जो तौर तरीके जिस टाइप से थे, वो जांच करने के तरीके थे, उससे मैं संतुष्ट। अधिकारी मिले हुए अधिकारी तो बिल्कुल मिले हुए, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि क्या है कि इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी क्या 75% खड़ा कर दिया है, 25% ही काम बचा है, तो अब ये थोड़ी चाहेंगे कि किसी ठेकेदार को नुकसान हुआ है, किसी अधिकारी सस्पेंड हो गया। तो बिल्कुल घटिया, अधिकारियों को अवगत करा दिया अपने, सारी चीज़ें समझा दी। बाकी अधिकारी अब आगे की क्या कार्रवाई करते हैं, नहीं तो मैं खुद इस मामले को लेकर, सारे वीडियो फुटेज है मेरे, उस मामले को लेकर मैं खुद अरे सीएम मोहन यादव से मिलूंगा भोपाल में जाके, और इसकी शिकायत पूरी मैं दस्तावेज के साथ में करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार मालवीय, आरके एक्टिविटीज हूँ, समाचार प्रतिनिधि भी। का जो अभी आप इंस्पेक्शन करने आए हैं जी, क्या पाया सर इसके अंदर? क्या इसके अंदर जो शिकायत थी वो शिकायतकर्ता को सामने रख के हमने चेक करवाया, और जो उन्होंने बोला था जो ड्राइंग है उसके अनुसार ही वो चीज़ पाई गई है, मतलब तो उन्होंने भी उसमें संतुष्टि जाहिर करी कि हाँ जो है ठीक है। सर उनको कोई डाउट था तो वो उनको सामने खोद के और क्लियर करा दिए। सर ये ईंटों की जो बात बार स्ट्रेंथ आ रही है, ईंटें बहुत काफ़ी कमज़ोर है सर यहाँ पे, वो भी शिकायत थी। अब स्ट्रेंथ जो यहाँ अविलिटी है उसके अनुसार अब देखते हैं कि क्या स्ट्रेंथ आती है इसकी, वो भी चेक कर लेंगे अभी हम। अभी तो फिलहाल सीएम हेल्पलाइन के अंदर जो कंप्लेंट थी उसी की जाँच करने आए थे हम लोग, और वो जांच कर ली। गुणवत्ता पे बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं सर यहाँ पे। गुणवत्ता के अनुसार जो काम हुआ उसके टेस्ट रिजल्ट वगैरह हम चेक कर लेंगे, और उसके अनुसार देख लेंगे कि क्या गुणवत्ता के अंदर फेल्यूर हुआ, तो उसके अनुसार कार्रवाई करवाएंगे। सर ये छत का जो निर्माण कार्य किया गया था, छत भरी का निर्माण कार्य हुआ तो वो 8 से 10 दिनों में भरी गई थी, उस बारे में क्या कहेंगे? अब क्या रहता है, छत जैसे कोई लंबी छत रहती है और उसके पास साधन नहीं रहता तो वो उसको कुछ पार्ट को कास्टिंग करता है। अब उसने काम करने में अगर जो जगह पे छोड़ना पड़ता है छत को डालते वक्त एंड में, क्योंकि पूरे समय कंटिन्यू तो छत नहीं डाल पा रहा है, तो उसे जॉइंट के ऊपर उसने छत छोड़ के आगे बढ़ाते गया, तो उसमें कोई ऐसा नहीं, और अभी जो दिख रहा है उस अनुसार छत के अंदर कोई डिफेक्ट भी नहीं आया, क्योंकि वो देखेंगे डेट की, उनकी डेट ऑफ कास्टिंग क्या है छत की, उसके अनुसार से सर कितने दिन में छत भराना चाहिए सर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लिमिट तो होगी छत का, टाइम लिमिट होगा रात में दिन में, उनका ये भी आरोप है कि इन्होंने रात में भी नहीं करी है। वो तो अगर किसी के पास साधन पूरा और मशीनरी है अच्छी तो रात दिन से चालू करे तो रात भर भी कर सकता काम। नहीं कितने दिन में ऐसा छत भराना चाहिए अपने इसके अंदर? छत का छत की स्ट्रेंथ से नहीं है, छत क्या है कि कास्टिंग आप कर रहे हैं, अगर आपके पास जितनी अवेलेबिलिटी उस समय मटेरियल की है और जो है तो आपने कास्टिंग कर दी, तो वो उसके बाद आप बंद करेंगे तो बंद जो करेंगे वो एक जॉइंट पर्टिकुलर रहता है, उस पर लाके छोड़ना पड़ता है। मेरा मतलब सर कम से कम छत को कितना दिन में भराना चाहिए, 2 दिन या 3 दिन? इन्होंने 8 दिन की कंप्लेंट कर रहे हैं, तो 8 दिन की कंप्लेंट में बीच में गैप दिया होगा ना उन्होंने भरने में? नहीं नहीं लगातार छत भरी गई से दूसरा मटेरियल का विषय भी, घटिया मटेरियल से निर्माण किया गया, वीडियो फुटेज भी इसके बाहर आए हैं, सामने आए हैं सर। नहीं अब जो हमने अभी देखा है उस अनुसार तो ठीक है, जो क्यूब था छत का टेस्ट कैसे करा सर आपने छत का? तो अभी मैंने वही पूछा ना इनसे कि डेट ऑफ कास्टिंग क्या है इसकी छत की? वो क्यूब मोल्ड की कास्ट दूसरी थी, और छत के कास्ट तो अभी किए सर, ये पुराना क्यूब मोल्ड। मैं छत की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि उसकी जो छत भराई है उसकी डेट मिल जाएगी तो मैं उससे मालूम कर लूंगा कि क्या है। अभी फिलहाल जो विजुअल वे में दिख रहा है छत अच्छी दिख रही है, आप संतुष्ट है? हाँ उससे संतुष्ट है, लेकिन उसके जो क्यूब है वो टेस्ट करे होंगे इन्होंने उस समय कास्टिंग के, वो हम रिजल्ट देख के और डिसाइड करेंगे, और उसके अनुसार रिपोर्ट हम इंदौर में सबमिट। वीडियो को सही नहीं मानते सर क्या? नहीं वीडियो क्यों नहीं सही मानेंगे हम, आपने बताया ना कि छत इतने दिनों में भरी है। हाँ, तो हम मान रहे हैं ना, सवाल उठाएंगे सर। हाँ तो उठाएंगे, तो हमने भी तो बोला कि आपको कि वो छत की कास्टिंग की डेट देख लें हम पहले कि कितनी देर में उन्होंने भरी, उसे मालूम कर लें।